रोहित चल चलते सब लोग अंदर चले गए। नहीं नहीं बॉस, अंदर जाने का प्लान कैंसिल कर दो वरना हम ऊपर चले जाएंगे। चलो वापस घर चलते। नहीं, मोंटू तक रिद्देश लखानी ने कभी आज तक हार नहीं मानी है, ना ही अभी मानूंगा। मोंटू बॉस, मैं तो चला वापस, मुझे ऐसे शौक खाके बाहर निकलना नहीं है। रोक, आज तक ऐसा कोई गेट नहीं है जो मोंटू तक रिद्देश लखानी को रोक पाया। रोहित पहले तू जा। नहीं नहीं बॉस, लेडीज फर्स्ट। मतलब मुझे अंदर जाके झटका नहीं खाने का है? झटके का तो पता नहीं, पर अगर तू अंदर पहले नहीं गया ना तो तू फटका जरूर खाएगा। जाता हूँ, जाता हूँ, अंदर जाता हूँ। कुछ नहीं होगा, डर मत। अरे मोंटू बॉस, मैं पार कर गया, अब आप भी आ जाओ। देखा चिट्टू, रोहित अंदर चला गया, अब हम भी जा सकते हैं। चल चल चल। मोंटू बॉस, आप पहले जाइए ना, मैं आपके पीछे पीछे आता है। ठीक है। मोंटू बॉस, हाँ डरो नहीं, आप बदमाशी जरूर करता है लेकिन बुरा नहीं है, अब कुछ नहीं होगा बॉस। हाँ चाहिए चाहिए। कैसे पता तुम वहां गए थे? गया था मतलब आ रहा हूं मैं वहीं से। तो जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से कि रानी परी ने असली उत्सव कहां रखा? बता तो दूंगा लेकिन जा नहीं पाओगे आप वहां पर। पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बताओ। मतलब वहां सुरक्षा परी ने है लगाया ऐसा द्वार जिसमें से कोई बुरी शक्ति कर नहीं पाएगी प्रवेश उत्सव में। क्या? तो रास्ता होगा वहां जाने का, मुझे किसी भी हाल में वहां जाना है। हाँ, एक मार्ग वहां पर जाने का। अगर मानोगे नहीं आप पूरा मुंह देता मैं आपको छोटी सी सलाह। अगर अगर छोड़ दो आप अपनी सारी बुरी शक्तियां यहीं पर, अगर तो कर सकती हो आप वहां उत्सव में प्रवेश। अब आपके ऊपर। कभी कभी अकल की बात करते हो तो बात। मेरी सारी बुरी शक्तियां मैं यहीं छोड़कर जाऊं।
लेकिन महाविनाशनी है इसमें बहुत खतरा। अगर गई पकड़ी आप तो लड़ नहीं पाओगी परियों से बिना शक्तियों के, और हो जाएगा आपका अंत वहीं पर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा तौबा तौबा। वैसे भी मुझे वहां जादू का कोई उपयोग नहीं करना, बस ये देखना है कि बालवीर गहरी नींद में सो गए। वो तो मैं एक छोटी बच्ची के रूप में भी देख सकती हूँ। छोटी बच्ची बनकर जाऊंगी तो परियां कैसे पहचानेंगी मुझे? पांच और शक्तियां तौबा तौबा। अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती, इन्हें संभाल कर रखना। अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो तुम्हें पाताल से ढूंढ कर भी समाप्त कर दूंगी मैं। नहीं नहीं रैया ये महाविनाशनी भी ना है, लेती रहती हमेशा परियों से पंगा। अरे जाए भले ही वो परीलोक में बच्ची बनके कहीं लग गई परियों के हाथ, तो हो जाएगा उसका सारा खेल समाप्त और हो जाएगा उसका अंत वहीं पर। मुझे क्या, हो जाने दो दीदी, मैंने तो चेतावनी उसे बेवकूफ कही। ए गधे, तूने मेकअप क्यों किया? तू कितना भी मेकअप कर ले, लेकिन मुझ जैसा बाका नौजवान नहीं दिखेगा तू। अच्छा, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आप बहुत रैंसम हो। रैंसम नहीं माँ, हैंडसम। देखा, तुम्हारा बेटा भी मुझे हैंडसम कह रहा है। वो आपको नहीं कह रहा है। अरे मुझसे ही कहा। आप समझे नहीं। अरे मुझे ही कहा, पूछ ले उससे। बाबूजी, आप हैंडसम है इस भ्रम में आपको रहना है तो रहिए, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि इस ऑरेंज फेस का मैं क्या करूं? ये ऑरेंज ऑरेंज होके मैं ऑरेंज में नहीं जा सकता। क्या? मॉल में नहीं जा सकता। इसका तो एक ही इलाज है, ब्लीच। हा? मैं आपके चेहरे पर ब्लीच लगा देती हूँ, उससे ये मेहंदी का रंग निकल जाएगा। हाँ बेटा, अब कैसा लग रहा है? बाबूजी, सलून में बैठा हूँ ऐसा लग रहा है। श्वेता, हाँ? थोड़ा थोड़ा जल रहा है। इसका मतलब रंग खींच रहा है। एक मिनट, थोड़ा इस तरफ भी। हाँ, लगा दो। बस 10 मिनट इसे सूखने दीजिए, फिर आप एकदम मॉल में जाने लायक हो जाएंगे। क्या बात, थैंक यू। चलो थैंक यू स्मिता,
थैंक यू सो मच। ये क्या हो गया? मैं गोल्डन हो गया हूं। रानी महल में भी कोई नहीं, अरे बाग में भी कोई नहीं, जरूर यहां कुछ ना कुछ हुआ है। पर क्या, अब मैं क्या करूं? ये को कहां ढूंढूं मैं? मित्र, लेकिन मैं तो तुम दोनों से कभी पहले मिला नहीं। कौन हो तुम लोग? हम हैं हंसी परी और हम हैं खुशी परी। रानी परी की सेवकाएं हैं हम। अच्छा, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाकी सब परियां कहाँ हैं? वो सब है पृथ्वी लोक पर, और आप भी वहाँ चलिए हमारे साथ, क्योंकि पृथ्वी लोक के बच्चों पर उठा है बुरी शक्ति का हाथ। है जरूरत परियों को आपकी, मत कीजिए समय नष्ट। क्या बच्चे संकट में हैं? फिर तो हमें तुरंत पृथ्वी लोक जाना चाहिए। चलिए जल्दी। हंसी परी, खुशी परी, आप मुझे ये कहाँ लेकर आई है? बालवीर, जन्म दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ, माँ रानी परी, आप सबने तो मुझे सचमुच चौंका ही दिया। हाँ बालवीर, यही तो हमारा इरादा था, तभी तो डुबा डुबाव ने आपको पृथ्वी लोक पर रोक कर रखा था, ताकि जब आप इस उत्सव में आए तो इसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाएं। तो अब समझा, इसलिए तुम मुझे पृथ्वी लोक पर लड़की और गुंडे का रूप लेकर रोकने की कोशिश कर रहे थे, है ना? मुझे माफ करना डुबा डुबाए, अगर मुझे पता होता तो मैं मित्र बालवीर, तो भूल जाओ वो सब। ये देखो है कैसे सजाया परियों ने इस जगह को। अच्छा, हाँ आओ वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें। आओ आओ आओ। तुम्हारे खुशी को दुगना करने के लिए है आए ढेर सारे बच्चे तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए। वो देखो, we'll be right back.
बच्चों शुक्रिया। रानी परी, परी आप सबने इस जगह को बहुत ही अच्छा सजाया, लेकिन रानी परी माँ ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत थी बालवीर, आपने हमेशा सारे बच्चों के लिए कितना कुछ किया है, तो आपके लिए ये छोटा सा आयोजन तो बहुत ही छोटी बात है। हाँ बालवीर, बाल परी बिल्कुल ठीक कह रही। बालवीर आइए आइए चलिए। हाँ हाँ बालवीर जाइए जाइए। बालवीर आओ मित्र आओ, चलो आओ आओ। रानी परी क्या बात है, क्या आप अभी भी महाविनाशनी को लेकर चिंतित हैं? हाँ बाल परी, बात ही चिंता की है। बाल परी अब तक तो महाविनाशनी को पता चल चुका होगा कि उस रेतीले टापू पर कोई भी उत्सव नहीं मनाया जा रहा है, और वो इस समय कोई ना कोई चाल अवश्य चल रही होगी। देखो परी, मैं अपनी सारी बुरी शक्तियां विनाश लोक छोड़ाए, अब तुम्हारी ये सुरक्षा व्यवस्था मुझे भीतर आने से नहीं रोक सकती। अब मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें जहर खाते हुए देखूंगी बालवीर। अब वो पल दूर नहीं जब तुम सदियों की गहरी नींद में सो जाओगे और मेरी बुराई का साम्राज्य जाग जाए। परियो, डुबा डुबा, सचमुच आप सबने बहुत ही अच्छी सजावट की है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा। अरे मित्र मत करो चिंता सुरक्षा की, क्योंकि है लगाया परियों ने बाहर एक बड़ा सा यंत्र जिसको कर नहीं सकती पार कोई बुरी शक्ति। हाँ सकती कोई बुरी शक्तियाँ। लेकिन मैं तो आ गई, लेकिन मैं तो आ गई, लेकिन मैं तो आ गई, लेकिन मैं तो आ गई। तो
मतलब मेरी दादी कहती है कि बुरी शक्तियाँ कहाँ पे भी जा सकती है। बेटा आप इस बुरी शक्ति की चिंता ना करो और जाओ इस उत्सव का आनंद लो। जाओ जाओ जाओ। मेहर, बालवीर, मेहर, चलिए मंच पर। ठीक है, चलिए। बालवीर, मेहर, आप दोनों को जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दोनों हमारे उत्सव के मुख्य अतिथि हैं। हाँ, आज का दिवस आप दोनों के लिए बहुत ही खास है ना, इसलिए हमने आपके लिए और भी ज्यादा तैयारियां की है। आप देखना चाहेंगे? परिया, आप सब तैयार हैं? तो परियों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पहले बेटी का केक तो काट लीजिए। केक काटने की बड़ी जल्दी है आपको, केक भी कटेगा, लेकिन उससे पहले होगा खेल उत्सव, है ना बच्चों? हाँ बच्चों, तो अब जल्दी जल्दी से ये बताओ कौन सा खेल खेलना पसंद करेंगे आप? अंताक्षरी 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 नहीं नहीं, हम ईटिंग गेम खेलते हैं, जो सबसे ज्यादा डोनट खाएगा वो गेम जीतेगा। नहीं 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 नहीं। अरे बच्चों बच्चों शांत हो जाओ। देखो आज मेरे साथ साथ मेहर का भी तो जन्मदिन है, तो चलो मेहर से ही पूछते हैं कि उसे क्या खेलना है। मेहर, हम म्यूजिकल चेयर खेले। बड़ी मुश्किल से एक मौका मिला था मॉल में जाने का। माँ कुछ कीजिए, बापूजी मेरे चेहरे का कुछ कीजिए। आइडिया आइडिया आया आया, मिल गया मस्त गजब आइडिया। माँ देख बापूजी, वैसे ही धीरे धीरे। बेटा ये सालों पहले मैंने एक नाटक में काम किया था, उसकी ये वीक अभी काम आएगी बेटा। अरे वाह, बढ़िया लग रहा है। ये क्या, इतनी भरी जवानी में मेरे बच्चे को तुमने बूढ़ा बूढ़ा बना दिया। निकालो दाढ़ी निकालो। मैं तुम्हारे लिए ना सरसों का तेल लाती हूँ, वो लगा देंगी तो फिर कलर निकल जाएगा। सरसों का तेल नहीं, ससुर का तेल नहीं, ससुर का तेल नहीं। ससुर का नहीं, सरसों का तेल। सरसों का तेल ही बोल रहा हूँ बाबूजी, सरसों का तेल नहीं। उसकी जरूरत नहीं है। ये देखिए मैं क्या लाई हूँ, नीता भाभी ने मुझे फेशियल क्रीम दिया है, वो भी इम्पोर्टेड। उन्होंने कहा है कि अगर ये क्रीम लगाओगे ना तो ये सारा कलर निकल जाएगा। मैं लगाऊं? हमेशा मुश्किल में स्मिता ही काम आती है। क्या बात है स्मिता। अरे इतनी नहीं बाबूजी, चेयर प्लीज। कहां कहां मैं, रुकिए रुकिए, उठिए। हां इधर बैठ जाइए, ये इधर इस चेयर पे। हां वाह स्मिता वाह। अब देखना इस क्रीम का कमाल, देखना कैसे ये रंग उतर जाएगा। डराइए मत ना। ये क्या है क्या, ये मसाज मशीन है, नीता भाभी ने कहा था ये लगाने के बाद मसाज मशीन घुमा देना। हो गया हो गया हो गया। रुकिए, 20 मिनट के बाद आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। और 20 मिनट? हाँ हाँ, अब निकाल देती हूँ। देखना माँ, रंग एकदम से निकल जाएगा और फिर इनका चेहरा ऐसा निखरेगा, ऐसा। वाह वाह स्मिता, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। स्मिता, लगता है कि मेरा चेहरा इतना चमक रहा है कि बापूजी का सर नीचे हो गया है। अब मैं देखता हूँ। तो बच्चों अब
हम शुरू करेंगे संगीत कुर्सी का खेल। अरे बेटा, आपको नहीं खेलना? जाइए ना, आप भी खेलिए। अरे जाइए बेटा, जाइए ना, खेलिए खेलिए। चलो, इन बच्चों की आखिरी इच्छा पूरी कर देते हैं, क्योंकि आज के बाद तो ये किसी का भी जन्मदिन नहीं मना पाएंगे। आखिर गहरी नींद में सोना है इनको, बालवीर के साथ। विजेता है मानव। मानव लीजिए आपका पुरस्कार। थैंक यू रानी परी।
दोस्त क्या जगलिंग कर रही है? आज तक मैंने मेरे लाइफ में ऐसे जगलिंग कभी नहीं देखी। वाह, देख क्या है ना, ये एक चीज से प्रैक्टिस करते हैं ना, इसलिए इतना अच्छा कर पा रहे हैं। देख मैं दूसरी कोई चीज सीखूंगा ना तो ठीक से नहीं कर पाएगा। अब भी दिखा दो। महाविनाशनी वो केवल अपनी शक्ति के कारण है झाड़ती रहती हमेशा तुम पर रोब। अरे हाँ। है शिशि में महाविनाशनी की सारी शक्तियां। पालू अगर मैं ये शक्तियां तो बन जाऊंगा मैं बुराई का राजा। फिर नहीं करनी पड़ेगी मुझे उस बेवकूफ महाविनाशनी की चमचागिरी कभी। वो करता कोशिश इन शक्तियों को पाने की। है यहाँ पर इतनी सारी शक्तियाँ। ले लेता हूँ सबसे पहले वायु की शक्ति। परी, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन महाविनाशनी चुप नहीं बैठेगी। वो अवश्य कोई ना कोई चाल चल रही होगी, इसलिए हम सबको बहुत सावधान रहना होगा। जी रानी परी। सॉरी रानी परी।
कोई बात नहीं बेटा, आप ठीक तो है ना? हाँ रानी परी। अरे वाह, देखिए तो बाल परी, इनकी पोशाक कितनी अच्छी है। हाँ। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। और इसीलिए रानी परी पता है आपको क्या देंगी? हम अभी दिखाते हैं। ये लीजिए आपके लिए। शुक्रिया रानी परी। चलिए बाल परी। जी। आनंद तो मुझे तब मिलेगा जब जहरीला केक काटा जाएगा और बालवीर वो खाकर गहरी नींद में सो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस रंगारंग उत्सव में आज हमारे सामने आने वाली है प्रसिद्ध गायिका प्रीति भल्ला जी। वाह, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि प्रीति भल्ला का गाना मैं लाइव सुनूंगा। ये तो मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। मानव, सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए, और मैं भी प्रीति भल्ला की बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ हाँ बच्चों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रीति भल्ला जी आप सभी बच्चों की पसंदीदा गायिका हैं। केवल आप सभी नहीं बल्कि हम सब परियां और बालवीर भी उनकी मधुर आवाज के प्रशंसक हैं। और इसीलिए हमने इस खास मौके पर उन्हें मुंबई शहर से यहाँ बुलाया है। तो बच्चों, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रसिद्ध गायिका प्रीति भल्ला जी का। हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? अच्छे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके बीच स्पेशली बालवीर और मेहर का बर्थडे सेलिब्रेट करने यहाँ आई हूँ। तो मैं कौन सा गाना सुनाऊँ आपको आज? बेबी डॉल। ओके ओके, देखिए आज मेहर और बालवीर का बर्थडे है तो आई थिंक इनसे ही पूछा जाए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, तो मुझे बताइए। लुंगी डांस। वू, लुंगी डांस हो जाए। पूछो को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। पूछो को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। ऑल द रजनी फैंस डोंट मिस द चांस, all the Rajini fans don't miss the chance to lungi dance, lungi dance, lungi dance, lungi dance, lungi dance, lungi dance. Disco mein jab ye gana bajega, on the floor aana padega, lungi ko uthana padega, step karke dikhana padega. All the Rajini fans don't miss the chance, all the Rajini fans don't miss the chance to this. Lungi dance, 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 lungi dance. Once more, lungi dance, 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 lungi dance. Thank you.
ये रानी परी मेरी तरफ गुस्से से क्यों देख रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मुझे पहचान लिया? अब क्या करूं? लोगों ने मिलके मेरे चेहरे की बैंड बजा दी है। हमने? अरे तुम्हारे चेहरे की बैंड तुमने बजाई है, अपने खुद के चेहरे पर मेहंदी लगा के। ठीक है बाबूजी, मैंने मेहंदी लगाई थी, अब मैं ही इसका तोड़ ढूंढूंगा। मुझे आप लोगों में से किसी का भी एक भी सुझाव नहीं चाहिए। मेरे और मेरे चेहरे के बीच में कोई भी नहीं आएगा। सभी तरह के दाग और धब्बों से छुटकारा पाइए। सभी तरह के दागों धब्बों से छुटकारा पाइए। बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। नहीं, आप लोग कितने बेतुके आइडियाज दे रहे थे, मेरे चेहरे की बैंड बजा दी आप लोगों ने। ये अब मैं ये लगाऊंगा चेहरे पे। नहीं, मैं सही, अब तो मैं ये ही चेहरे पे लगाऊंगा। नहीं बापूजी, नहीं, मुझे कोई सुझाव नहीं चाहिए। मुझे मेरा ये तोड़ मिल गया है, थोड़ा और लेता हूं।
वाह भाई वाह, देखो भाई ये चल रहा है बाबूजी, चल रहा है जबरदस्त, चल रहा है बाबूजी। अरे बेटा लेकिन टॉयलेट क्लीनर तू चेहरे पे लगाएगा तो जलेगा ही ना। ये टॉयलेट क्लीनर है? हां तो बाबूजी पहले बताना चाहिए जब मैं लगा रहा था तब आप चुपचाप क्यों खड़े थे? आपको बताना चाहिए। तूने तो कहा था कि मेरे और मेरे चेहरे के बीच में कोई नहीं आएगा। ले सॉरी सॉरी बाबूजी, सॉरी कुछ कीजिए बाबूजी। अब हम लोग जैसा कहेंगे वैसे करेगा ना? हां करूंगा बेटा। आइस लेके आओ आइस। लगता है मेरा खेल अब खत्म हो जाएगा। काश मेरे पास जादुई शक्तियां होती। था ना, अब तो जुड़ गया। क्या बात है, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? कुछ नहीं, वो टूट गया था तो मैं घबरा रही थी। बुझा तो लिया मैंने मुझ पर लगी हुई आग को, लेकिन इसका क्या कर दी मैंने सब गड़बड़। इस विनाश नोट को आग लगाकर अब नहीं छोड़ेगी मुझे महाविनाशनी। अब आने से पहले महाविनाशनी के बुझानी होगी मुझे इस आग को, लेकिन कैसे कैसे कैसे। जल की शक्ति है, मैं बुझाता इस जल की शक्ति से इस आग को। ए अग्नि शक्ति, आर ये तुझे बड़ी हंसी मुझ पर, चली जा चली जा, वरना कर दूंगा इस जल शक्ति से तुझ पर वार। अरे चली जा शीशी के अंदर जल्दी से। Ah!
बनना मुझे राजा वाजा, हूँ मैं ऐसा ही ठीक। चलो हुआ अच्छा, हो गया सब कुछ पहले जैसा, नहीं तो महाविनाशनी सुला देती मुझे गहरी नींद में। अब तक तो सो गया होगा बालवीर भी गहरी नींद में, खाकर वो जहरीली केक। काले अंगूर का केक, अब समझ में आया परी कि आप मुझसे मेरा मनपसंद फल क्यों पूछ रही थी, ताकि आप उसका केक बना सके, है ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर वो समय आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। अब बुराई के जहर से भरा ये केक बालवीर की अच्छाई को सदियों तक सुला देगा। चलिए बालवीर महर, आइए केक तो काटिए। Happy birthday. Happy birthday to you. आखिरी जन्मदिन की बधाई हो बालवीर। बालवीर, मेहर, आप दोनों को जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। रानी परी, मैं सबसे पहले एक एक बच्चों को खिलाना चाहता हूँ। ठीक है बालवीर, मेहर, आप ये केक सबसे पहले बच्चों को खिलाइए। ये लीजिए। खिलाओ बच्चों को, खिलाओ। बालवीर बच्चों का रक्षक, खुद उनका भक्षक बनेगा। अब आएगा मजा। हैप्पी बर्थडे मैं। जहरीले केक का अंतिम टुकड़ा बचा है, अगर इस डूबा डूबा एक ने खा लिया तो बालवीर बच जाएगा और मेरी सारी योजना पर पानी फिर जाएगा। अब तो जहरीले केक का अंतिम टुकड़ा बचा है, अगर इस डूबा डूबा एक ने खा लिया तो बालवीर बच जाएगा और मेरी सारी योजना पर पानी फिर जाएगा। रुक जाओ,
मैं तो तुम्हें केक खिलाना भूल गया। अब रुको, अभी खिलाता हूँ। ये जहर तुम्हारे लिए है बालवीर, मेरे लिए नहीं। अरे बालवीर, आज तुम्हारा और मेहर का बर्थडे, तुम दोनों ने तो केक खाया ही नहीं। हाँ हाँ बालवीर, मेहर खिलाइए। आशिकों की जाले गई, आशिकों की जाले गई, काहे रुमाल मगर छोड़ गई जालिमा। महर, महर क्या हुआ? महर, योजना सफल हुई। बालवीर और सारे बच्चों ने यह जहरीला केक खा लिया। अब सब सदियों तक गहरी नींद में सो जाएंगे। इन परियों को बुराई की शक्ति दिखाने का समय आ चुका है। अब रहो यही पहरेदारी करने। अरे गई कैसे खुली शीशी है? और गई कहां चली है धरती की शक्ति? चलिए अग्नि की शक्ति भी। अरे
नहीं रहा मेरे को समझ में। वायु फील हो रहा है बाबूजी, जलन भी नहीं हो रही है, अब हम मॉल जा सकते हैं। अरे क्या मॉल जा सकते हैं, तेरा थोबड़ा देख पूरा लाल लाल हो गया है। क्या आईने में जाके देख, क्या बात कर रहे हैं बाबूजी। बाबूजी छोड़िए बाबूजी, आज मेरा मॉल में जाने का मुहूर्त ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि आप माँ और स्मिता जाइए, मैं घर पर ही रहता हूँ। बेटा महिला मंडल ने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है yeah. कि अगर तू मॉल नहीं जाएगा तो वो लोग भी नहीं जाएंगे। उन्होंने तो आशा ही छोड़ दी है कि तेरा कुछ हो सकता है yeah? मतलब आज तेरा कुछ हो सकता है yeah. उन्होंने तो खाना पकाने की तैयारी भी शुरू कर दी। हाँ तो ठीक है फिर, आज मॉल जाना कैंसिल। वैसे ही बाबूजी, मैं ये ऐसा लाल कलर का मुंह लेके जाऊंगा, लोगों को लगेगा कि रेड इंडियन कौन आ गया है। रेड इंडियन नहीं बोले, लोग ये सोचेंगे होठों पे लगाने की लिपस्टिक इसने सारे मुंह पे क्यों लगाई है। बाबूजी क्या आप भी हाँ। या मेरी बैंड बजी हुई है और आपको मजाक सूझ रहा है। मजाक के साथ एक आइडिया भी सूझ रहा है। क्या? तू मॉल में ऐसे नहीं चलेगा तो मास्क पहन के चलेगा। मास्क? बाबूजी मास्क पहन के जाऊंगा, लोगों को लगेगा ये डाकू कहां से आ गया, मेरे पीछे मुझे मारने के लिए नहीं भागेंगे। नहीं भागेंगे बेटा, क्योंकि तू जैसा सोच रहा है ये मास्क वैसा नहीं होगा। तो ये मास्क एकदम अलग तरीके का होगा। अच्छा लाइए। अभी ले जाओ मास्क पहनूंगा। बच्चों उठो। बालवीर महाविनाशनी, मुझे यहाँ देखकर चौंक गई परियो। चौंकना भी चाहिए क्योंकि तुम लोगों ने इस जगह की सुरक्षा व्यवस्था ऐसे की थी कि कोई भी बुरी शक्ति या कोई भी बुरा इंसान यहाँ प्रवेश ना कर सके। तो मैंने अपनी सारी बुराई और सारी बुरी शक्तियों को पीछे छोड़ दिया, एक सच्ची और अच्छी बच्ची बनकर यहाँ आई। देखो रानी परे, अच्छाई से अच्छाई को मात दे दी। वैसे अंगूर के बाग में भटकाती और आर पार परी को बेवकूफ बना के जहरीले अंगूर मैंने भेजे। जहरीले अंगूर? जिसका बना ये केक खाकर बच्चों और बालवीर का ये हाल हुआ। अब देखो रानी पर, सारे बच्चे सदियों के लिए गहरी नींद में सो गए। तुमने महाविनाशिनी को यहां आने से रोका। महाविनाशिनी की पांचों शक्तियों को रोकना तुम्हारे बस में नहीं।
मेरी सारी शक्तियां मुझ तक वापस लौट आई है। अब तुम और तुम्हारा ये निढाल बालवीर महाविनाशनी। बालवीर निढाल नहीं है, मुझे बच्चों की रक्षा की चिंता है, वरना मैं तो कब का तुम्हारा अंत कर चुका होता। तुम पर जहर का असर नहीं हुआ बालवीर। महाविनाशनी ये मत भूलना कि बालवीर कोई साधारण बालक नहीं है, उसके पास हम सारी परियों की जादुई शक्तियां हैं। उसका शरीर किसी भी जहर को कई घंटों तक झेलने के लिए सक्षम है। हाँ महाविनाशनी, बालवीर ने केवल केक को चखा है, लेकिन याद रखना हमारे बालवीर में अभी भी इतनी शक्ति बाकी है कि वो इन सभी बच्चों को ठीक कर सके। परी, क्या बच्चों को ठीक करना संभव है? हाँ बालवीर, ये संभव है। अगले 5 घंटों में अगर हमने जहर का उपाय कर लिया तो उन बच्चों को कुछ नहीं होगा, ये बच्चे ठीक हो जाएंगे बालवीर। हाँ बालवीर, सपने देखना छोड़ दो रानी परी, 5 घंटे तो बहुत दूर की बात है। 5 पल में मैं तुम सबका अंत करूंगी, फिर परिलोक पर बुराई का झंडा लहराएगा। ये क्या बाबूजी? ये है तेरा मास्क। ऐसा? हो गया? बाबूजी, ये तो मैं लड़की जैसा लग रहा हूँ। मुझे ये लड़की जैसा लग रहा हूँ मैं, ये क्या बात है आपने? चेक यहाँ ये बेटा, हाँ तेरे चेहरे से लाल रंग निकल गया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। जी, ये कच्चा कलर था, पानी से साफ किया होता ना तो भी निकल जाता। जी, अब मुझे मॉल में जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। रोक सकती है? कौन? मतलब कि रोक सकता है कौन? समय। बेटा 10 बज गए, मॉल पहुंचते पहुंचते 11 बज जाएंगे और तब तक तो मॉल बंद हो जाएगा। कोई बात नहीं बाबूजी, हमें तो सेलिब्रेट ही करना था ना, तो घर में बैठ के सेलिब्रेट करते हैं। एक काम करता हूँ, मैं होटल से खाना मंगा लेता हूँ। अच्छाई आज समाप्त होने वाली है रानी, उसके साथ साथ अच्छाई से जुड़ा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। सच्चाई के दिन तो क्या महाविनाशनी, तुम सच्चाई के एक पल को भी समाप्त नहीं कर पाओगी। और आज आज जब सच्चाई अपने असली रूप में तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सच्चाई के सामने बुराई कितनी छोटी पड़ जाती है। जहां कहीं भी हो रानी पर, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वृक्ष यदि हम उत्सव के स्थल पर महाविनाशनी से युद्ध करते
तो ये सभी बच्चे संकट में आ जाते। इसीलिए हम इन सभी बच्चों को यहाँ लेकर आए हैं। रानी परी, ये आत्मवृक्ष क्या बच्चे इससे ठीक हो सकते हैं? बालवीर, ये बहुत ही पवित्र और प्राचीन वृक्ष है। इसमें हमारी पूर्वज परियों की आत्माएं बसी है, इसलिए शायद यहाँ पर हमें इन बच्चों में से जहर निकालने का कोई उपाय मिल जाए। हे पवित्र वृक्ष, हमें आपकी सहायता चाहिए। इन बच्चों को जहर के असर से बचाने का हमें कोई मार्ग दिखाइए। रानी परी, इन बच्चों को बचाने का केवल एक ही उपाय है। एक ही उपाय? वो क्या है पवित्र वृक्ष? आपको शुद्ध चांदी, श्वेत कवल, बादल का शुद्ध मीठा जल और सबसे शुद्ध मोती का मिश्रण बनाना होगा। उसमें से जो धुआं निकलेगा उसको सूंघते ही बच्चे ठीक हो जाएंगे। पवित्र वृक्ष, शुद्ध चांदी, श्वेत कमल और बादलों का शुद्ध मीठा जल तो हम ला सकते हैं, लेकिन शुद्ध मोती हमें कहाँ मिलेगा? शुद्ध मोती मिलेगा मध्य सागर नाम के नीले समुद्र में, जो हमारी ही आकाश गंगा के विराग नाम के ग्रह पर है। एक बार आप मध्य सागर की गहराई में पहुंच गए तो शुद्ध मोती का तेज आपको मोती तक ले जाएगा। आपके पास 5 घंटे हैं, लेकिन क्योंकि यह समय थोड़ा धीमा बहता है, आपको 7 घंटे का समय मिलेगा। अगर 7 घंटे में इन 4 चीजों का मिश्रण नहीं बन पाया तो ये बच्चे गहरी नींद से कभी नहीं जाग पाएंगे। जी। लेकिन रानी परी, 7 घंटे दूर उस ग्रह पे जाके हम मोती कैसे लेकर आएंगे? हम जाएंगे डरी परी, हम किसी भी तरह उस शुद्ध मोती को प्राप्त करके लेकर आएंगे। नहीं रानी परी, आप मध्य सागर में नहीं जा सकती। आप तो क्या कोई भी परियां नहीं जा सकती। मोती लेने कौन जाएगा? तो ठीक है, मैं जाऊंगा मध्य सागर तक। लेकिन बालवीर, इतनी कमजोर स्थिति में आप इतना लंबा अंतर कैसे तय करेंगे? मैं करूंगा, बच्चों की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा। याद रहे बालवीर, अगर आपने गलती से मध्य सागर का पानी पी लिया तो आपके जहर का असर तेजी से बढ़ जाएगा और इन सब बच्चों को भी पानी पीने मत देना रानी परी। Bye.